सुगा, तुम्हारी डिसीजन क्या है? मॉम, भैया को कुछ टाइम तो दे दो। ठीक है, तुम आज वो लड़के से मिल लेना। मॉम, आज ही? हाँ आज ही। वो दोनों एक दूसरे को जितनी जल्दी जान पाएगा वही अच्छा होगा उन दोनों के लिए। सुगा कुछ नहीं कहता है, वो ऐसे चला जाता है। भैया रुक। जांगकुक भी सुगा के पीछे जाता है। जीन, क्या हुआ? आरिंग, मैं मेरे दोनों बेटों को ऐसे हालत में देख नहीं पा रही हूँ। दोनों ही अपने प्यार के लिए तड़प रही है, दोनों को ही अपना पहला प्यार नहीं मिला। कल मैं दोनों भाइयों की बातें सुनी, मैंने जांगकुक को 20 साल से तड़पता हुआ देख रही हूँ और आज सुगा को भी तड़पता हुआ देख रही हूँ। मैं मेरे बच्चों की जिंदगी में खुशियाँ देखना चाहती हूँ। आरिंग, उनकी जिंदगी में प्यार की जरूरत है जो उनके दर्द और तकलीफ को भुला देगी। हाँ जीन, मैं समझ गया। सुगा जमीन से टकरा जाता है। जिमिन, तुम ठीक हो? हाँ हाँ सर, मैं ठीक हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारे एम्प्लॉय उन दोनों को देख रहे हैं। क्या हुआ यहाँ पे, कोई शो चल रही है? सभी वहाँ से चला जाता है। जिमिन, तुम मेरे साथ केबिन में आओ। हाँ सर। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। सर, ते बिना देखे जा रही थी और दरवाजे से टकरा गई। आउच, ए दिखाई नहीं देता है? ओ, ये तो दरवाजा है। ये लड़की, शायद इस बार मैंने ही नहीं देखा है। इस बार नहीं, हर बार तुम्हें ही नहीं दिखाई देता है। सर, ये सही नहीं है। मौका मिलते ही आप मुझे बातें सुनाने लग गई। मैं बातें कहाँ सुना रही हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ। वो तो प्रूफ भी हो गई। हाँ मानता हूँ, इस बार गलती हुआ। इसका मतलब हर बार मेरी गलती नहीं थी। इन दोनों का फाइट देखने में बहुत मजा आता है। हाँ तुमने सही कहा, जब से ते आई है तब से जंगकुक सर बदल गई है। हाँ मिस ते, आप बातें कम करो और काम ज्यादा करो। वो ही तो कर रही थी, हर बार काम करने का मूड ही खराब कर देता है। ए क्या कहा तुमने? बहरा हो क्या, सुनाई नहीं देता? ए कहकर ते वहाँ से चली जाती है। What the? ए लड़की, हो गया तुम दोनों का हंसी, अब काम पे जाओ। जिमिन, कल तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? सर, ओ मेरी तबीयत खराब थी। क्या? ए बात सुनकर सुगा थोड़ी परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ था तुम्हें, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या बुखार हुई थी? सर मैं ठीक हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं ऑफिस नहीं आई। इसका मतलब तुम मुझसे भाग रही हो? कब तक भागोगे मुझसे जिमिन? ये ऑफिस में तुम्हें हर दिन मुझसे मिलना पड़ेगा, तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। ये लड़की फोन पे क्या कर रही है? मिस्टर? हाँ हाँ सर। तुम फोन पे क्या कर रही हो? चैटिंग कर रही थी। क्या, ये तुम्हारी चैटिंग करने के वक्त है? मैं तुम्हारे फोन तो देखूं, तुम किससे चैटिंग कर रहे थे? नहीं सर, फोन नहीं, मुझे तो देखनी है। एक आएगा जंगल दौड़ते है तेके पीछे, उसके बाद वो दोनों गिर जाते हैं। जिमिन, अभी वक्त है, तुम ये शादी तोड़ दो। जिस शादी में तुम खुश नहीं रह पाओगे वो शादी तुम क्यों कर रही हो? सर आप क्या कह रहे हैं, मैं क्यों खुश नहीं होंगी? लड़का अच्छा है, अच्छा जॉब करता है, वो मुझे खुश रखेगा। ओ जिमिन प्लीज, जिसके आँख में सिर्फ मेरे लिए प्यार है वो दूसरे के साथ कैसे खुश रह पाएगा? आपको गलतफहमी हुई है सर। ओ रियली, अगर ऐसा ही होता तो तुम मुझे ऐसे पकड़ के नहीं रखते। तुम मुझे ऐसे पकड़ के रखे हो कि अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। ये बात सुनकर जिमिन सुगा को छोड़ देता है। सॉरी सॉरी सर। जिमिन, मैं मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ना चाहती हूँ, प्लीज जिमिन तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। नहीं सर नहीं, मैं यही नहीं चाहती हूँ आपके साथ मेरा नाम जोड़ना। अगर मेरा नाम आपके नाम के साथ जोड़ा तो आपके नाम खराब हो जाएगा। एक कहकर जिमिन वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जिमिन की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं आई कमिंग? अरे मिस्टर ज्योप, आइए आइए। मिस्टर, ए मिस्टर, आप तो बहुत हैंडसम लग रही हो और हॉट भी। क्या बात है, आप इतने बंधन के कहा जा रहे हो? मिस्टर, ओ यही पर आया है। सच में आपके जैसे हैंडसम मैन आज तक मैंने नहीं देखा है।
मिस्टे सर आप ही बोलिए ना, मैंने ठीक कहा ना? एक्सक्यूज मी, आप क्या इन्हें जानते हैं? नहीं तो? तो आप उनसे ऐसे क्यों बात कर रही है? क्या आप उनके बहुत करीब हो? एक्सक्यूज मी, आप कौन है? ए मेरे पीए है। आपकी पीए? हाँ। ए बात सुनकर तेगो गुस्सा आता है। ए जी अब समझ जाता है। मिस्टर जंगकुक, हम हमारे मीटिंग शुरू करें। जंगकुक गुस्से से ते की तरफ देख रहे हैं। मिस्टर जंगकुक, हाँ शुरू करें। हाँ मिस ते, तुम हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। ए बात सुनकर जेहब को गुस्सा आता है। हाँ सर, जाती हूँ। ते जेहब को इशारा करके शांत होने के लिए कहते हैं। मिस ते, जाओ। हाँ सर। ए हॉबी ने नया पीए रखा है और मुझे बताया तक नहीं, वो भी एक लड़की को। उसे तो मैं बाद में देख लूंगी। ते, तुम्हें सुगा सर बुला रही है। क्या? पर क्यों? पता नहीं। ठीक है मैं आती हूँ। जी मीन, तुम रो क्यों रही हो? सर ने तुम्हें छोड़ दिया है क्या? ऐसा ही होता है, अमीर लोग दो दिन मजे करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तुम अपने मुंह बंद करोगे और यहाँ से जाओगे? यहाँ पे क्या ड्रामा चल रही है? और उसमें तुम विलेन का रोल प्ले कर रही हो। तुम्हें काम है कि नहीं, या क्या एक काम करने आते हो? सर को जाके बोलूं क्या मैं? ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ जिमिन? जिमिन ते को सब कुछ बताता है। सर ने मुझे बुलाया है। तो कुछ नहीं कहेगा? ठीक है। ए मिस ते अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ डैड बोलिए। बेटा जो मीटिंग में आज सुबह अटेंड करने वाले थे वो मैं नहीं कर पाऊंगा। व्हाई डैड? मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं अभी ठीक हूँ। आप कहाँ है? मैं घर पर हूँ। ठीक है हम घर आके बात करते हैं। बेटा आज रात को ही निकलना पड़ेगा। क्या आज रात को ही? हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। एनी प्रॉब्लम? नो। ए मिस ते अभी तक आई क्यों नहीं? ते तुमसे कुछ पूछना है। हाँ सर बोलिए। जिमिन को क्या हुआ है? मतलब? ते मुझे पता है जिमिन के बारे में, तुम्हें सब कुछ पता है। वो तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है, प्लीज तुम मुझे बता सकते हो जिमिन मेरे प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है? मैं कैसे बोल सकती हूँ सर? ते मैं जानता हूँ तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो। ते एक लंबी सांस छोड़ती है। सॉरी सर मैं कुछ नहीं बता सकती। इस सवाल का जवाब आपको ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हाँ एक बात कह सकती हूँ। लगे रहिए, आप हाल मत सुनना। एक है के तेवर से चली जाती है। मिस ते तुम क्या कॉफी पेट से तोड़ कर लेकर आए? इतना लेट क्यों की? जेहब जंगकुक को गुस्से से देख रहा है। क्या करूं सर, आपके बगीचे में इतने सारे कॉफी पेड़ है कि मैं समझ ही नहीं पाई किससे तोड़ूं। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ मिला जो आपके टाइप का थी। बहुत कोशिश करने के बाद उससे तोड़ कर लाई, फिर बनाए, इसीलिए तो इतना लेट हुआ। जेहब और बेसू जी हंसने लगते हैं। मिस ते, क्या सर आपकी कॉफी ठंडी हो रही है? बहुत मेहनत से कॉफी तोड़ कर ले आया। पिए पिए। मिस ते, सर पिए ना। सर कैसा बना? बहुत अच्छा, थैंक यू। अब ये लड़की कौन है? मैं आ सकती हूँ? कमिंग। हाय। हाय मैं लिसा हूँ। सुगा लिसा की तरफ देखता है। हाँ तो आपका कोई काम है तो बोलिए। सुगा मुझे पहचान नहीं पा रही हो? मैं लिसा हूँ तुम्हारी दोस्त। लिसा? हाँ लिसा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे यार तुम तो पहले जैसा ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। दुनिया बदल जाएगी लेकिन सुगा कभी नहीं बदलेगा। हाँ जानती हूँ, कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम जरूर बदल जाओगे। शादी? हाँ हमारी शादी। मॉम ने तुम्हारे साथ मेरी शादी तय किया है? हाँ। ओ नो। ओके हम आते हैं। हाँ ठीक है। हाँ चलिए। जंगकुक ते के हाथ पकड़ लेते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें बहुत काम है और जा सकते हैं। लेकिन सर वो तो हमारे मेहमान है। जेहब चला जाता है। जंगकुक ते को दीवार पे पिन कर देता है। क्या कह रही थी तुम, वो बहुत हॉट है? बहुत हैंडसम है, उसके जैसा हैंडसम तुमने कभी नहीं देखा है। हाँ तो? जंगकुक अपना ब्लेजर उतार देता है। अब बोलो कौन ज्यादा हैंडसम है?
तुम्हें क्या मेरा हॉटनेस दिखाऊं? सर, आपको कोई जलने का बू आ रही है क्या? मुझे आ रही है, बहुत ज्यादा कोई जल रही है। मतलब मैं क्यों जलने लगूं? ओए तो आप क्यों जल रही है? मैं किसी को भी कहूँ वो हॉट है, हैंडसम है, इससे आपका क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। क्या? एक एक जंग घर से चला जाता है। सर, आपके जिले से मुझे बहुत अच्छा लगा। दुनिया में और कोई लड़की नहीं थी जो मम्मा ने इस लड़के के साथ मेरा शादी तय किया है। लिसा, ये ऑफिस है, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में मिल लूंगा। ओ सुगा, ऐसा क्यों बोल रही हो? कितने दिनों बाद मिला, एक तो हक बनता ही है। एक है कि लिसा सुगा को हक कर लेती है, तभी जिमिन वहाँ पे आती है। सर, ओ सॉरी, तुम्हें कोई मैनर्स है कि नहीं? बॉस के केबिन में आने से पहले नॉक करते हैं, वो तुम नहीं जानते हो? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आपके साथ कोई और है, अगर पता होता तो मैं नॉक करके ही अंदर आती। एक्चुअली मुझे सर के केबिन में आने के लिए कभी नॉक करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए नॉक नहीं किया। पहले क्या करती थी वो भूल जाओ, अब से तुम जब भी आओगे नॉक करके आओगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आती रहूंगी। लिसा, तुम होते कौन हो उसे बोलने वाले, वो क्या करेगी वो क्या नहीं करेगी, वो जैसा पहले आते थे वैसा ही आएगी। जिमिन, तुम बिना नॉक के आ सकते हो। सुगा, तुम्हें क्या कह रही हो, तुम मेरे होने वाले पति हो, तो इस हक से मैं उसे बोल सकती हूँ? ये बात सुनकर जिमिन पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। नहीं, तुम नहीं बोल सकते हो, वो मेरे पीए है, वो जब चाहे तब आ सकती है। और हाँ, तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं हुई है। ओ, होगी भी या नहीं ये नहीं जानते है, सो अपने लिमिट में रहो। क्या सुगा सर शादी कर रही है? जिमिन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। सर, मैं क्या घर जा सकती हूँ? जिमिन, प्लीज सर, मुझे घर जाना है। सुगा जिमिन के हालात समझ गया। हाँ जाओ। जिमिन वहाँ से चली जाती है। मुझसे इतना प्यार करते हो लेकिन मुझसे नहीं कहोगे? फिकर मत करो जिमिन, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकती, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारी है।